क्या नाम है सर आपका? प्रेम नारायण यादव बाबा। आप किस पद पर हैं सर? वार्ड नंबर 48 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। सर आज यहाँ बीरबलपुर में आपका आने का क्या प्रयोजन है? सर प्रथम तो हम स्वर्गीय राम व चौबे को नमन करता हूँ और उनकी दिलेरी को प्रणाम करता हूँ हृदय से, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे करके कैश को बचाने का काम किया। और छोटे बच्चे उनके केवल तनहा एक बच्चा है, बूढ़ी माँ विधवा है, पत्नी विधवा हो चुकी, ईश्वर उनके परिवार को क्षमता दें, भगवान उनको क्षमता दें दुख सहने का, उनका दुख बांटने के लिए हम सारे लोग आए हुए हैं। आप सर इस समय वर्तमान सरकार भी यूपी सरकार है, आप उनसे इस परिवार के लिए कुछ अनुदान के लिए मांग करना चाहेंगे? अनुदान के लिए मांग करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि जो व्यवस्था बिगड़ी है, जिन्होंने जीर्ण शीर्ण व्यवस्था के साथ स्वर्गीय राम व चौबे को छोड़ा, ऐसे तमाम राम व चौबे शहीद हो रहे हैं। इन सड़कों पर देखा जा रहा है कि लुटेरे घूम रहे हैं और इसी तरह से छोटी व्यवस्था लेकर के, कैश लेकर के, एक गनमैन लेकर के चल रहे हैं, आए दिन ऐसी व्यवस्था हो रही है। इस व्यवस्था को पहले सुधार करें, पहले इसको सुधार करें और स्वर्गीय राम व चौबे के परिवार को आर्थिक रूप से मदद देने का काम करें। अभी सर आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर विधायक जी 370 मणिया हूँ डॉक्टर लीना तिवारी जी और एसडीएम महोदय आए थे और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का चेक दिए जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से आना चाहिए था कि और भी अधिक आना चाहिए था? 2 लाख रुपया क्या है श्रीमान जी, आप ही सोच सकते हैं 2 लाख रुपया इस महंगाई में क्या है? विधवा माँ, बूढ़ी, बच्चा छोटा, किसके भरोसे छोड़ गए? ईश्वर उनको ले लिया, काल के गाल में चले गए। हम यह चाहते हैं अधिक से अधिक इनकी व्यवस्था हो ताकि इनका परिवार कुछ सुचारू रूप से चल सके, इनके आंसू पोछा जा सके। जैसे सर अभी अपने जौनपुर जिले के जितने भी आला अधिकारी, चाहे DM साहब हों चाहे SP साहब हों, सभी लोगों ने उन्हें देशभक्त का नाम दिया जी, तो देशभक्त की विदाई किस प्रकार से होनी चाहिए ये आप भली भांत जानते हैं जी, क्योंकि आप उस परिवार से जुड़े हैं जी, उस क्षेत्र से जुड़े हैं जहां शहीदों का देश, शहीदों की माटी कही जाती है जी, तो आप बताइए कि एक देशभक्त के साथ कैसी विदाई होनी चाहिए? देशभक्त की विदाई देशभक्त के झंडे में लपेट कर विदाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। निश्चित रूप से जिला जानता, आज यहाँ जिला वाले आकर के मौजूद हो जाते कि कैसे स्वर्गीय राम व चौबे का देहांत, कैसे अपने दिलेरी के साथ अपनी जान की कुर्बानी दे करके कैश को बचा, देश की सुरक्षा में उन्होंने शहीद हो गए। तो प्रशासन से आपको नाराजगी है? निश्चित रूप से है, हमको नहीं है, पूरे जनमानस को है इस बात को लेकर के, इस बात को पूरे जनमानस को है। आप आखिरी बार बता दीजिए कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इस जिले के अधिकारी या इस सरकार से इस परिवार के लिए क्या मांगना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इस परिवार के बारे में निश्चित रूप से सोचें, इनका छोटा बच्चा अभी उसकी उम्र 14 साल है, बूढ़ी विधवा माँ है और उनकी स्वर्गीय राम व चौबे की विधवा पत्नी हो गई, उनसे आकर के निश्चित रूप जिलाधिकारी महोदय मिलें और उनकी दिल की हाल पूछें, यथाउचित उनको निश्चित रूप से सुविधा मुहैया कराएं ताकि इनके मन में कुछ शांति हो सके, यद्यपि राम व चौबे वापस नहीं आ सकेंगे चाहे कुछ भी दे दिया जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।